हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट, मैं सुमित्रेन श्रीवास्तव, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मिर्जी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, एंड आई इनवाइट यू ऑल टू ज्वाइन अवर मिर्जी फैमिली। अगर मैं बात करूँ मिर्जी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की, तो आप सबके दिमाग में आता होगा कि मिर्जी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड है क्या। तो जब हम मिर्जी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं, तो ये 23 ईयर ओल्ड ब्रांड है, और इन द ईयर 2001 हम लोगों ने ये जमशेदपुर में ये कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था विद अ स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 100 स्टूडेंट्स। कारवा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, रिजल्ट आता गया, और आज की डेट में अगर देखोगे तो नासिक, जमशेदपुर, पटना, बेगूसराय, तो पैन इंडिया में हम लोग क्या हैं, प्रेजेंट हैं। अगर मैं बात करूँ नासिक की, तो इसी साल हम लोगों ने नासिक में अपने सेंटर्स ओपन किए। अगर मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन दूँ, तो माई सेल्फ सुमित्रेन श्रीवास्तव, और मैंने बीटेक और एमटेक किया है एनआईटी भोपाल से। लास्ट 23 इयर्स से मैं जेई और नीट के स्टूडेंट्स को क्या कर रहा हूँ, कैटर कर रहा हूँ, और पिछले अराउंड 8 सालों में मैं नासिक में जेई और नीट के स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा हूँ। अब उसी को देखते हुए मैंने अपना खुद का जो ब्रांड था मिर्जी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैं नासिक में लेके आ रहा हूँ। और नासिक की अगर हम बात करें, तो नासिक में आज की डेट में हमने अपने 3 सेंटर्स ओपन किए। एक ब्रांच हमारी है गजानन एन्क्लेव अशोक स्तंभ पे, दूसरी है इंदिरा नगर पे, और तीसरी है हमारी अजिंक्य तारा बिल्डिंग सिन्नर। अगर हम बात करें मिर्जी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की, तो मैंने क्या बोला, जैसे कि 23 साल पुराना ब्रांड है, और अगर हम बात करें ईस्टर्न इंडिया की, तो वी आर वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड इन ईस्टर्न इंडिया। तो अगर ईस्टर्न इंडिया में कोई जाता है, जमशेदपुर कोई विजिट करता है, उसको पता चल जाएगा कि मिर्जी क्लासेस की क्या रिजल्ट हैं और क्या इसकी इम्पॉर्टेंट, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो जब हम बात करते हैं मिर्जी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की, तो हमारे कुछ यूएसपी हैं। पहला यूएसपी क्या है, स्मॉल बैच साइज, नॉट लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूट जहाँ पर हम 100-200 बच्चों को एक बैच में भर रहे हैं। जब हम बात करते हैं, तो हमारे बैच में हार्डली 35-40 स्टूडेंट्स रहता है, जिसमें हम बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं, और बच्चों के कोई डाउट्स हैं उनको हम 1-to-1 क्या कर सकते हैं, कैटर कर सकते हैं। दूसरा हमारा यूएसपी क्या है, हम लोग वीकली टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो जिस वीक में जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है, एट द एंड ऑफ द वीक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, क्विज के फॉर्म में चेक करते हैं। तो हम वीकली टेस्ट कंडक्ट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम मेजर टेस्ट होते रहते हैं, लेकिन वीकली टेस्ट हमारा यूएसपी है, जो हम हर वीक बच्चों के टेस्ट लेके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। तीसरा जो हमारा यूएसपी है वो क्या है, जितने भी सीनियर फैकल्टी हैं उनके ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप में पड़े हुए हैं। तो जो भी बच्चा मिर्जी क्लासेस को ज्वाइन करता है, उनको ऐप में ये लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट एसेस करने को मिलते हैं। अगर मान लो बच्चे ने कभी कोई क्लास मिस कर दी है, तो वो ऐप पे जाके उन लेक्चर्स को क्या कर सकता है, देख सकता है, और अपने डाउट्स को वहाँ पे क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है। चौथा हमारा जो मेन पॉइंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूएसपी है, वो क्या है, जैसे कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों को मालूम है कि 75% इज नॉन मैंडेटरी फॉर जेई मेन्स एंड जेई एडवांस एग्जाम। तो अगर आज की डेट में अगर आप जेई मेन्स का एग्जाम देते हैं, और अगर आप जेई मेन्स एग्जाम क्लियर भी कर जाते हैं, तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपका बोर्ड में 75% मार्क्स होने चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करने जा रहे हैं नासिक में, हम नासिक में 2 से 3 दिन प्योरली केवल बोर्ड की क्लास लगाते हैं, और रिमेनिंग 3 से 4 डेज हम जेई, नीट और सीईटी की क्लासेस लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों को मिक्स करके लेके चल रहे हैं, दोनों पे हम इंडिविजुअली फोकस कर रहे हैं। 2 से 3 दिन हम बोर्ड की क्लासेस लगाएंगे, रिमेनिंग 3 to 4 डेज हम जेई और नीट की क्लासेस लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड की फैकल्टी अलग है, जेई और नीट की फैकल्टी अलग है, और जो भी फैकल्टीज हैं वो हाईली एक्सपीरियंस्ड है, दे आर आइदर पास आउट फ्रॉम एनआईटीज, आईआईटीज, और कुछ जो हैं वो डॉक्टर्स भी हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं वो गाइड कर रहे हैं नीट के स्टूडेंट्स को, और जो आईआईटी और एनआईटी से पास आउट फैकल्टी हैं वो कैटर कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री को वहाँ पे। तो बोर्ड को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं, जेई को भी साथ में लेके चल रहे हैं, दोनों की फैकल्टी अलग है, तो बच्चों के ऊपर इतना लोड नहीं आता है, और एट द एंड ऑफ क्लास 12 बच्चों का बोर्ड और जेई और नीट दोनों में रिजल्ट वहाँ पे क्या होगा, अच्छा आता है। तो ये हमारे यूएसपी हैं। 23 साल हो चुके हैं हमें यहाँ पे। नासिक की अगर बात करें, तो नासिक में मैंने ये 3 जगह हमने अपने सेंटर्स क्या करें, ओपन। तो
मैं तुम लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ कि तुम लोग सेंटर पर विजिट करो, पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज के लिए तुम इन सेंटर्स पे जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे काउंसलर्स अवेलेबल हैं, फैकल्टीज अवेलेबल हैं। तो जो भी तुम्हारे डाउट हैं रिगार्डिंग, हो सकता है तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा होगा कि आफ्टर टेंथ करना क्या है, आफ्टर टेंथ इंजीनियरिंग में स्कोप क्या है, सीटी देने के क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, जेई मेंस देने के बेनिफिट क्या है। तो जो भी तुम्हारे दिमाग में क्वेरीज है रिगार्डिंग बायो लेना है तो क्या होगा, मैथ्स लेना है तो क्या होगा, तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी क्वेरीज हैं तो उन क्वेरीज को दूर करने के लिए प्लीज डू विजिट अवर ब्रांचेस। वहां पे फैकल्टीज, काउंसलर, स्टाफ प्रेजेंट है जो आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी उनको वहां पे क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है या फिर समझा सकता है, जिससे आगे जाके एट द एंड ऑफ योर क्लास 10th एग्जाम तुम एक करेक्ट डिसीजन ले सको। तो यही इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आज आया हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने अपना एक YouTube चैनल भी लॉन्च किया है मिर्जी क्लासेस नासिक के नाम से, तो उस पर भी हम अपडेट डालते रहेंगे, उस पर भी आप कंटिन्यूसली विजिट करते रहो चैनल पे। तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी अपडेट रहेगा वो उस चैनल पे वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी।